बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। बचपन की कल्पना भरी मनभावन कहानियों को अपनी कलम के जरिए जिंदगी दी है 19 वर्षीय लेखिका नबीला जमशेद ने। विश अपॉन अ टाइम नाम की इस किताब में नबीला ने कल्पना की जादुई दुनिया को उजागर करने की कोशिश की है। ज्यादातर बच्चों के बचपन में एक समानता होती है, बचपन की वही कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, परियों की दास्तान, चुटकी भर जादू और रंग में भंग डालने वाले खतरनाक शैतान। बचपन की इसी कल्पना जैसी मन भावन कहानी को इस किताब के पन्नों में समेटा गया है। विश अपॉन अ टाइम नाम की इस किताब में कल्पना की उड़ान के साथ उड़ती नजर आ रही है 19 वर्षीय लेखिका नबीला जमशेद। एडवेंचर स्टोरी है फेरी टेल की तरह, इसमें जादुई कैरेक्टर्स हैं, एक जादुई दुनिया है पूरी जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जैसे वॉर हो, शांति हो, इस टाइप के इश्यूज को भी एड्रेस किया गया है। तो दोनों का एक मिक्सचर तरह की बुक है जो शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज जिस ऑडियंस के लिए लिखी है उस ऑडियंस का मैं पार्ट भी हूँ। इस फैंटेसी नॉवल में एडवेंचर के साथ साथ आज के युग की कठोर सच्चाइयों पर भी रोशनी डाली गई है, जैसे जंग और आतंकवाद। इन इश्यूज के बारे में कुछ कहना चाहती थी, शांति के बारे में, उसके सपोर्ट में, और जिस तरह से टेररिज्म बढ़ा उसके अगेंस्ट, उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, और एक कहानी लिखना चाहती थी किसी तरह की। और फैंटेसी जो जॉनरा है उसमें आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की दुनिया बना सकते हैं। तो उसमें सबसे मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं अपनी व्यूज़ को एक फैंटेसी की तरह लिखूँ। तो 19 वर्षीय नबीला की ये पहली किताब है और उन्हें उम्मीद है कि ये बच्चों के साथ साथ युवाओं को भी अच्छी लगेगी। अब ये देखना रोचक होगा कि विश अपॉन अ टाइम अपनी जादूगरी के खुमार से लोगों को मोहित कर पाती है या नहीं। कैमरामैन अश्नील के साथ प्रिया सग्गी, टोटल टीवी, दिल्ली।